ये देखिए दोस्तों, तालाब का हालत, पानी एकदम नहीं है। यही है दोस्तों हम लोग का देहाती खान पान, इस तो जहाँ तहाँ नजर आ रहा हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, साग मिल गया है थोड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशा राय फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आशा विलेज ब्लॉग्स पर। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। और दोस्तों अभी सुबह का 7 बज रहा है और आज के मौसम देखिए बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम है, धूप नहीं है ज़रा सा भी। ये देखिए चारों तरफ बादल बादल है और ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, ठंडा मौसम है दोस्तों। और ये भी देखिए हम चूल्हा चौकी नहीं किए हैं और नाश्ते में देखिए रात में दूध बचा था उसका हम थोड़ा सा खीर बना लिए थे, तो वही है अभी हम नाश्ता करेंगे इसको। तो दोस्तों अभी चूल्हा चौकी तो शुरू नहीं किए हैं, अभी करेंगे। तो इस ठंडे के मौसम में अभी देखिए हम लोग साग वगैरह जो निकलता है नया नया तो उसको खाते हैं देहात में दोस्तों। तो आज आप लोग को पातपूड़ा का चटनी बना के दिखाएंगे किस तरह हम लोग पातपूड़ा का चटनी बनाते हैं दोस्तों। आप लोग को पूरा वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों क्या क्या होता है पातपूड़ा का चटनी और किस चीज़ का पातपूड़ा करते हैं हम लोग। आप लोग को पूरा वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो आप वीडियो में एकदम बने रहिए शुरू से अंत तक। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम नाश्ता कर लेंगे, देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। दोस्तों हम लोग टोकरी ले लिए हैं और पीके भी जा रहा है खुचू भी, और हम लोग जा रहे हैं साग लाने के लिए जिसको हम लोग पातपूड़ा करेंगे और उसका बहुत सारा रेसिपी होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जाते हैं तालाब। तो मौसम आज बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम, बहुत ज़्यादा धूप, कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा धूप था और पानी भी नहीं गिर रहा था। तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरा है, हम खेती जैसा पानी नहीं है, लेकिन बस ठंडा हो गया है मौसम, ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, थोड़ा राहत मिल गया हम लोग को ना कुछ 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 नहीं बोल रही है। और देखिए दोस्तों इधर बस्ती हम लोग का गाँव घर दिख रहा है और हम लोग बाड़ी तरफ से आए हैं, ये एक रास्ता है तालाब जाने के लिए। ये देखिए दोस्तों तालाब का हालत, पानी एकदम नहीं है, सूख गया है तालाब। देखते हैं साग कहाँ पर है, एकदम सूख गया है दोस्तों। बहुत दिक्कत होता है हम लोग नहाने धोने के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता है हम लोग को। ये दोस्तों देखिए सालूक है, ये फूल का जो फूल होता है तालाब में उसके नीचे बैठता है, तो हम लोग सालूक बोलते हैं इसको। तो हम लोग इसको सिझा के या तो पका के खाते हैं, लेकिन अभी सूख गया है ज़मीन में क्योंकि पानी नहीं था तो ये सूख गया है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है खाने में। तालाब सूख गया है तो जहाँ तहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन ये फिर पानी पड़ने से फिर ज़िंदा हो जाएगा, एकदम सूख गया है, बेकार हो गया। बहुत अच्छा लगता खाने से, सूख गया है कुछ। और देखिए इधर का नज़ारा दोस्तों, बादल बादल किया हुआ है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही एकदम हरा भरा है हम लोग का इधर का नज़ारा, और बड़ा बड़ा ताल का पेड़ भी है। ये देखिए दोस्तों साग मिल गया है, और ये देखिए दोस्तों जैसे कि ये हो गया तो यहाँ वहाँ सब तोड़ लेंगे दोस्तों। दोस्तों पानी गिर रहा है, देखिए हम पानी पानी में हम लोग तोड़ रहे हैं और पानी गिरना शुरू हो गया है, बादल पूरा छाया हुआ था दोस्तों। दोस्तों पानी गिर रहा है, हम लोग तोड़ते तोड़ते बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगा, तो हम लोग ताल पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन ताल पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग जाएंगे अब महुआ पेड़ के नीचे ना। चलो हाँ पानी छुट्टी हो गया। दोस्तों ये पानी छूट गया और हम लोग फिर से तोड़ने के लिए आ गए हैं, और इधर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों हम लोग तोड़ लिए, हो गया है, ये टोकरी लाए थे उसमें एक टोकरी हो गया है। अब घर चलेंगे दोस्तों, 8 बज गया है और नहाना भी है अभी, और इसको अच्छा से चुनेंगे, बाँच लेंगे दोस्तों, उसके बाद पहले भीगने देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसमें। हेलो भाई, यहाँ पर इतरा मेहंदी गाछ का पत्ता
लगाएगा, देखिए दोस्तों। ये साग देखिए, इसको हम अब बाँस लेंगे, अच्छा सा चुन लेंगे, बड़ा बड़ा जो डंठल है उसको हटा देंगे कुछ हम दोनों मिलकर, उसके बाद पानी में हम डालेंगे। तो दोस्तों हम चुन लिए साग को, अच्छा से एकदम बाँस लिए हैं, डंठल देखिए इतना सारा डंठल निकला है। और ये आते आते हमको मेहंदी रास्ते में मिल गया था, तो हम मेहंदी भी तोड़ लिए हैं, ये बालों में लगाएंगे दोस्तों। तो अभी साग को हम पानी में भिगने के लिए देंगे। तो दोस्तों साग को देखिए हम रेडी कर लिए हैं धो धा के, देखिए गेहूँ साग हम लोग बोलते हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, हम लोग के इधर बारिश बारिश हम लोग करते थे कि बारिश नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। और बारिश होने की वजह से देखिए मेरा किचन का हालत ख़राब हो गया है, जिससे पानी थोड़ा गिर गया है। और यहाँ देखिए मेरा चूल्हा चूल्हा का आग भी बुझ गया है दोस्तों, पूरा पानी इधर से बुझ गया है, जैसे पानी होते ही आया पानी भी गया है, पूरा बुझ गया। और हमको यहाँ पानी गिरने लगा। और दोस्तों हम साग को बहुत अच्छी तरह दो तीन पानी धो लिए हैं, और इसको पहले अब छाप कर रख देते हैं, पानी सब निकल जाएगा इसका। तो अब साग हमको बनाना पड़ेगा। और हम इधर आलू भी लेके आए हैं, पहले आलू को धो लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हम आलू बना रहे हैं, पतला पतला करके आलू बनाएंगे। तो दोस्तों हम साग को दो भाग कर दिए हैं, एक भाग हम रख देते हैं और एक भाग हम बना रहे हैं छोटा छोटा करके। तो बहुत धुआं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये गोठा का आग है। और साग को हम छोटा छोटा करके बना लेंगे, तब तक मेरा कढ़ाई गर्म हो रहा है उधर। तो कढ़ाई गर्म हो गया, हम तेल लगते हैं इसमें। और ये हरा मिर्च है, ये आलू हो गया दोस्तों। और ये हो गया साग जमाता, जो हम बच्चा छोटा बना कर रखे हैं, देखिए अब इसको डाल देंगे इसमें। दोस्तों हम नमक डाल देते हैं, जो पानी है साग का निकल जाएगा वो। तो जब तक ये पक रहा है दोस्तों, तब तक हम महुआ का पत्ता तोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये महुआ का डालियाँ नीचे लाए हैं थोड़ा सा, अब महुआ का पत्ता तोड़ लेंगे। सब सुविधा है दोस्तों मेरे चूल्हा के सामने। चलिए हो जाएगा इतना से दोस्तों, पत्ता ऐसे भी धुला हुआ है, पानी गिर रहा है। तो और इसमें हम पोतरी बनाएंगे दोस्तों, पहले इसके पीट लेंगे। दोस्तों इस तरह करके पीट देंगे चारों तरफ, जैसे थाली होता है उस तरह का थाली जैसा बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पोतरी मेरा रेडी हो गया है, देखिए दोस्तों इस तरह बना के हम लोग पलाश पात के बना के हम लोग भात भी खाते हैं। और ये साग गेहूँ साग इसको बीच में रखेंगे दोस्तों। ये है हरा मिर्च चार ठो, इसको दो टुकड़ा करके हम डाल देंगे इसमें। और देंगे हल्का सा नमक, और इसको मोड़ के इसे टिपना होगा दोस्तों। ये फिक्स हो गए, और इधर से भी टिप देंगे हम, देखिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों पूरा पैक हो गया है। और हम इधर आग को अच्छा से सुलटा लेंगे, और देखते हैं ये बना है कि नहीं। ये बनकर रेडी है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों भुजिया मेरा हो गया है, और अभी हम
पकौड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इस तरह चारों तरफ लकड़ी लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह देखे रख देंगे और अच्छा से पकेगा। जब तक ये पक रहा है तब तक हम मंदाखिनी क्या दूध निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, पासपोड़ा मेरा सेका के रेडी हो गया है। और इधर हम 3 से 4 कली लहसुन छील लेंगे। दोस्तों खोल लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, पत्ता जल गया है लेकिन साग नहीं जला है और बहुत ही अच्छा से पक गया है। यही है दोस्तों हम लोग का देहाती खान पान, इस तरीका से हम लोग खाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरह पक गया है और खाने में बहुत थोड़ा तीता लगता है दोस्तों, करेला जैसा थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों तेल डाल देंगे इसमें, लहसुन पहले से नमक दिया हुआ है, पहले से मिर्च भी दिया हुआ है और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और हाथ से ही इसको बनाना शुरू करेंगे चटनी को। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा से इसको पक गया है तो इतना अच्छा चटनी बना है, ये देखिए। तो दोस्तों ये रहा खाना, ये गेमा साग के साथ आलू भुजिया और ये चटनी और ये कच्चू का झोल। आगे बताते हैं दोस्तों, थोड़ा कड़वा लगता है, हल्का सा कड़वा लगता है करेला जैसा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है बताइए। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। गेमा साग का पतपोड़ा चटनी आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है गेमा साग का आलू के साथ भुजिया और पातकोड़ा चटनी, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय भारत, जय सरकार।